भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ 4 मार्च 2022 को मोहाली में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 99 मैचेस खेल लिए हैं। बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए 50% दर्शकों की मंजूरी भी दे दी है। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते मोहाली टेस्ट में दर्शकों की प्रवेश को मंजूरी नहीं दी थी। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 1 मार्च 2022 को जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि मोहाली टेस्ट में 50% दर्शकों को अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले इस मैच में दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में मैच आयोजित करने का फैसला लिया गया था, जिस पर कोहली के फैंस काफी नाराज दिख रहे थे। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। किंग कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 7 शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं। सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में कुल 6 शतक जड़े थे। भारत के लिए विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, दिलीप वेंगसरकर, साथ ही साथ कपिल देव ने 100 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। हालांकि इनमें से किसी भी बल्लेबाज ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक नहीं लगाया है। विराट कोहली विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने के मामले में 4थे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के सर जॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने 12 दोहरे शतक लगाए हैं, उनके साथ वो पहले स्थान पर हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा 11 दोहरे शतक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा 9 दोहरे शतक के साथ तीसरे स्थान पर हैं और चौथे पे हैं विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली 6थे स्थान पर हैं। टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हैं, जिन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। इसके बाद राहुल द्रविड़, जिन्होंने 13,265 रन बनाए हैं। फिर सुनील गावस्कर का नाम आता है, जिन्होंने 10,122 रन बनाए हैं। वीवीएस लक्ष्मण का नाम आता है फिर, जिन्होंने 8,781 रन बनाए हैं। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने 8,503 रन बनाए हैं। इसके बाद आता है विराट कोहली का नाम, जिनके नाम 7,962 रन हैं। अगर कोहली इस मैच में 38 रन बना लेते हैं तो उनके 8,000 टेस्ट मैच रन पूरे हो जाएंगे और उनके नाम एक रिकॉर्ड और जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि विराट कोहली के नाम 70 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, इसमें से 43 एक दिवसीय शतक शामिल हैं। विराट कोहली सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची में टॉप पर सचिन तेंदुलकर 100 शतक के साथ और दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग 71 शतक के साथ हैं। सचिन तेंदुलकर ने सर्वाधिक 51 टेस्ट मैचेस शतक और 49 वनडे शतक लगाए हैं। वहीं रिकी पोंटिंग के नाम 41 टेस्ट और 30 वनडे शतक हैं।